हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर बनकर रेडी है बहुत ही गर्मा गर्म टेस्टी क्रिस्पी चीज़ी और हेल्दी टैकोस। अगर आप ये टैकोस एक ही खाएंगे तो आपका नाश्ता बन जाएगा और दो खाएंगे तो आपका लंच या डिनर। सो फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं मैक्सिकन टैकोस कुछ अनोखे तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, मैं रूपश्री, वेलकम टू रूपश्रीज रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं मैक्सिकन स्ट्रीट फूड टैकोस। टैकोस जो है बहुत ही आसानी से बनने वाला और आप जब चाहे कभी भी चाहे हाथ में पकड़कर इसे खाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसमें होता है आउटर कवरिंग जिसे टॉर्टिला कहते हैं, ये गेहूं के आटे से या मक्के के आटे से बनता है और इसमें होता है बहुत ही टेस्टी स्टफिंग जो बहुत ही अलग वेराइटीज़ के होते हैं। लेकिन आज जो हम बनाने जा रहे हैं टैकोज़ है बहुत ही अनोखे तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही आसानी से बनने वाली और बहुत ही आसानी से उपलब्ध सामग्री से बनने वाली है और ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं टैकोज़। सो लेट्स स्टार्ट। टैकोस बनाने के लिए सबसे पहले हम बना लेंगे टैको शीट और उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 कप व्हीट फ्लोर, 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट और कुछ पानी आटा गूंदने के लिए। तो सबसे पहले हमें नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल को इसमें डालकर, इस आटे में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है और बाकी का जो 1 टेबलस्पून ऑयल है उसे हम पूरी तरह से आटा गूंदने के बाद ऊपर से लगाकर फिर से अच्छे से सॉफ्ट बना लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए एक सेमी सॉफ्ट डो बना लेंगे। हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से आटा गूंद लेना है। ये देखिए, इस तरह से सेमी सॉफ्ट डो बनकर रेडी होना चाहिए जिससे जो टैको शीट बनेंगे वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे टैकोस बनाने के लिए। ये देखिए इस तरह से कितना अच्छा अभी ये डो बनकर रेडी है। ऊपर से मैंने तेल भी लगा लिया है। अब हम ढककर रख देंगे, तब तक बना लेंगे हम टैकोस के लिए स्टफिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पर इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिया है और ये सारे स्पाइसेस जो है हमें स्टफिंग बनाने के लिए लगने वाले हैं। इन सबको आपको इस तरह से रेडी कर लेना है और एक पैन लो फ्लेम पर हमें गरम कर लेना है और उस पर मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून तेल। तेल थोड़ा गरम होने के बबाद उसमें हमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून धनिया और जीरा का पाउडर। फिर थोड़ा ऐड करेंगे 1 चम्मच सौंफ पाउडर और अब ऐड करना है 1 मीडियम साइज्ड फाइनली चॉप्ड ओनियन और मीडियम फ्लेम पर हमें लगातार इस तरह से 1 मिनट तक फ्राई कर लेना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे 1 कप फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम। इसी तरह से हमें सभी वेजिटेबल्स को 1-1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सॉटे कर लेना है। हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1 टोमेटो मीडियम साइज टोमेटो फाइनली चॉप्ड और ये रहा 1 कप ग्रेटेड कैरेट। इसे भी मैंने अच्छे से 1 मिनट तक ही सिर्फ सॉटे कर लिया है और ये रहा बॉइल्ड स्वीट कॉर्न। और अब मैंने यहाँ पर ऐड किया है 4 to 5 बॉइल्ड पीड एंड ग्रेटेड पोटैटोज और इस तरह से अच्छे से इसमें मिला लेना है और इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून पेपर पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ऐड किया है आमचूर पाउडर 1 टीस्पून। आप 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। अब यहाँ पर बनकर रेडी है बहुत ही चटपटा और स्पाइसी स्टफिंग हमारे टैकोस के लिए। तो इस तरह से 2 मिनट तक अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे हम ठंडा करने के लिए इस बाउल में निकाल लेंगे। स्टफिंग अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम
टैकोज में भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें टैकोज को कटलेट जैसे शेप देना है और थोड़ा सा हम इसे ट्रायंगुलर शेप देंगे जिसे हम आसानी से टैकोज बना सके। इसी तरह से हम इस सारे स्टफिंग से इस तरह से कटलेट जैसे बना लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने सब रेडी कर लिया है और अब यहाँ पर हमारा डो भी बहुत ही अच्छे से रेडी है टैको शीट्स बनाने के लिए। बहुत ही परफेक्ट डो बनकर रेडी है। अब मैं आपको दिखा दूँगी किस तरह से हम इसे टैको शीट बनाएंगे। हम एक बार फिर से अच्छे से प्रेशर देते हुए थोड़ा सा आटा गूंद लेंगे और इस तरह से एक बिग लेमन साइज बॉल्स हम बना लेंगे। और थोड़ा सा हम आटा ऊपर से डस्ट करते हुए एक बड़ा रोटी बना लेंगे। सब जगह इवनली रोल करना है और एक बड़ा रोटी बना लेना है। ना ही ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा थिन रोटी होना चाहिए। मैं आपको थिकनेस भी दिखा दूँगी, ये देखिए। और अब हम गरम तवे पे इसे डालकर थोड़ा सा ही कुक कर लेंगे। दोनों साइड पर बस हल्का सा ही कुक कर लेना है। हमें ज़्यादा इसे सेकना नहीं है क्योंकि हमें बाद में फिर से टैकोस बनाते वक्त इसे शैलो फ्राई कर लेना है। हमें थोड़ा सा ही बबल्स दिखाई दे तो फ्लिप कर लेंगे और दूसरी साइड पर भी थोड़ा सा ही सेक लेंगे। ज़्यादा हमें ब्राउन स्पॉट्स नहीं लाना है। ये देखिए इस तरह से फ्लिप करते हुए दोनों साइड हम थोड़ा थोड़ा पका लेंगे और हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम सभी टैको शीट्स को बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पर होममेड मोजरेला चीज़ इस तरह से ग्रेट कर लिया है और टैको शीट पर स्प्रेड करने के लिए हमें लेना है पुदीना की ग्रीन चटनी और रेड एंड वाइट पिज़्ज़ा सॉस, ओरिगैनो और मिक्स्ड हर्ब्स। और ये जो रेड और वाइट पिज़्ज़ा सॉस है ये आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, आप ज़रूर उसे चेक कर लेना। अब हम इन दोनों सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बहुत ही बढ़िया स्प्रेड रेडी कर लेंगे। होममेड मोजरेला चीज़ का भी मैंने वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, उसे भी चेक कर लेना। इसमें हम ओरिगैनो और मिक्स्ड हर्ब भी मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही चटपटा, स्पाइसी और क्रिस्पी टैकोस बनने वाले हैं। मुझे यकीन है आप इसे ज़रूर एंजॉय करेंगे। ये देखिए अब हम इस पर असेंबल कर लेंगे। सबसे पहले हमें ग्रीन पुदीना की चटनी जो है इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। अच्छे से सभी जगह पर स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर रेड और वाइट सॉस का मिक्सचर भी स्प्रेड कर लेंगे। और अब हम इसे एक ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस ग्लास के ऊपर रखकर हम इसमें जो स्टफिंग बनाया था, जो ट्रायंगुलर शेप कटलेट बनाया था, वो इसमें इस तरह से अच्छे से स्टफ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड पर हमें इस कटलेट को स्टफ कर लेना है। और अब हम इस पर गार्निश कर रहे हैं ढेर सारे ग्रेटेड चीज़ के साथ, जो बच्चों का बहुत ही फेवरेट होता है। आप इस तरह से ऊपर से गार्निश भी कर सकते हैं या फिर स्प्रेड्स के ऊपर एक चीज़ का लेयर भी बना सकते हैं, जो मैं आपको अभी और एक टैकोस जो असेंबल करके दिखाऊंगी। इस तरह से ग्रीन चटनी लगा लेंगे, उस पर रेड वाइट सॉस का मिक्सचर स्प्रेड कर लेंगे। अब हम इस पर एक बहुत ही बढ़िया चीज़ का लेयर बना लेंगे। इससे जो हमारी टैकोस बनेगी बहुत ही क्रिस्पी और चीज़ी बनेगी।
सो फ्रेंड्स, आप जब टैकोस बनाएंगे तो स्टफिंग बनाते वक्त उसमें आपको जो भी पसंद है उस वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें ग्रेटेड बीटरूट, ग्रेटेड कैबेज, कॉलीफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। उसी तरह से आप स्प्राउट्स भी थोड़ा सा कुक करके इसमें ऐड कर सकते हैं, राजमा बीन्स ऐड कर सकते हैं और एक बहुत ही टेस्टी टैकोस डिश आप रेडी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब दो टाइप्स के टैकोस मैंने बना लिए हैं और ये अब शैलो फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। उससे पहले हम थोड़ा सा ग्रीन चटनी इस तरह से बीच में लगा लेंगे जिससे ये अच्छे से चिपक कर रहेंगे और खुलेंगे नहीं फ्राई करते वक्त। और अब टैकोस को शैलो फ्राई करने के लिए इस तरह से हमें लो फ्लेम पर पैन गरम करना है और उस पर 2 चम्मच देसी घी डालकर थोड़ा गरम कर लेना है। देसी घी से इस टैकोस की टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया आती है। सो फ्रेंड्स, आप भी देसी घी ही यूज़ करना। और अब हम इस तरह से टैकोस को शैलो फ्राई कर लेंगे। हमें एक साइड पर अच्छे से क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तक इस तरह से फ्राई होने के बाद हम इसे जेंटली फ्लिप कर लेंगे और दूसरे साइड पर भी क्रिस्प और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से लो फ्लेम पर हमें शैलो फ्राई कर लेना है देसी घी में। देखिए, यहाँ पर ब्राउन स्पॉट्स इस पर दिखते हैं। और अब हम इसे उठाकर साइड्स पर भी फ्राई कर लेंगे और इस तरह से हमें होल्ड करके रखना है जिससे ये साइड्स पर भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाए और अच्छे से क्रिस्पी बन जाए सभी तरफ से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही गर्मा गर्म क्रिस्पी चीज़ी और स्पाइसी टैकोस बनकर रेडी है सर्व करने के लिए। सो देर किस बात की फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर आज ही ट्राई कर लेना और आपके एक्सपीरियंसेस भी मेरे साथ शेयर करना। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी।